देखिए, जो लक्षण दिख रहा है उससे तो स्पष्ट है कि कुछ न कुछ हो रहा है या होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो बेचैनी है वहाँ रहकर, और दूसरा उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उसके आधार पे लक्षण तो यही संकेत कर रहा है कि कुछ न कुछ नया हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। सियासी सरगर्मी तेज है, पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत का पारा हाई है। लगातार बैठकों, चर्चाओं और बयानबाजियों का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की चिंता बढ़ गई है। जी हां, आपको बता दें, लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, लगभग ये कंफर्म माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का हाथ थामने वाले हैं। इससे पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चिंता जाहिर की है। उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आए हैं कि जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, बैठक हो रही है, इसको लेकर ये तो समझ आ रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो आए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा नीतीश कुमार महागठबंधन का हाथ नहीं थामेंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि एक बार फिर एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे नीतीश कुमार? इस पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप वो सुने। देखिए, जो लक्षण दिख रहा है उससे तो स्पष्ट है कि कुछ न कुछ हो रहा है या होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो बेचैनी है वहाँ रहकर, और दूसरा उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उसके आधार पे लक्षण तो यही संकेत कर रहा है कि कुछ न कुछ नया हो सकता है। देखिए, एक तो बिहार के लोगों के मन में आशंका है इस बात की कि आने के लिए नीतीश जी एनडीए में अगर आ गए तो एनडीए के मतदाताओं के आशीर्वाद से उनके लोग भी चुनाव जीत कर चले जाएंगे, लेकिन जीतने के बाद फिर से महागठबंधन में न चले जाएं नीतीश कुमार जी, इस बात की क्या गारंटी है? तो इस गारंटी को सुनिश्चित पहले किया जा सके, यह बिहार की जनता की अपेक्षा है। जिस तरीके से लगातार बिहार में बड़े राजनीतिक बदलाव की खबरें एक बार फिर सामने आ रही हैं, लगातार ये चर्चाएं हैं, बड़े संकेत हैं और लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं, एक बार फिर एनडीए का हाथ थाम सकते हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव का साथ छोड़ सकते हैं। इस पर आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अपनी चिंता जाहिर करते नजर आए हैं, कहते नजर आए हैं कि इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं, एक बार फिर से एनडीए में शामिल होते हैं, तो वो दोबारा एनडीए को छोड़कर नहीं जाएंगे, दोबारा महागठबंधन का हाथ नहीं थामेंगे और दोबारा लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो जनता है वो गारंटी मांगती है और इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर फिर से एनडीए में आ रहे हैं तो एनडीए का साथ वो अब नहीं छोड़ने वाले हैं। तो जो लगातार सियासत चल रही है, सियासी सरगर्मी तेज है, पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीति का टेम्परेचर हाई है, इसको लेकर आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अपनी चिंता जाहिर करते नजर आए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गारंटी मांगते नजर आए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।